चलिए तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXE इज 25 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटे जब इस प्रोडक्ट पे काम होता है तब 25 फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाते हैं। मतलब 1 घंटे, जैसे ये मान लेते हैं ब्रिक्स है, ईट है, तो कोई लेबर अगर 1 आवर काम करता है तो वो 25 ब्रिक्स बनाकर दे देता है, ठीक है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स, 100 वर्कर्स है। और फिर क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आर इज 6 रुपीज़, हर एक लेबर को 6 रुपए मिलते हैं 1 आवर के, ठीक है। फिर उसके बाद में इन अ 42 आवर्स वीक, अब वीक के अंदर कितने आवर्स है, 42 आवर्स है एक वीक के अंदर। 42 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 42 घंटे एक वीक के अंदर, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकता है बट 42 घंटों का काम होता है, ऐसी बात है। ये बोलते हैं द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 1040 यूनिट्स ऑफ EXE, फाइनल जो चॉकलेट है, मान लेते हैं फाइनल जो EXE, इसका नाम ये एक चॉकलेट है, ठीक है। तो ये जो चॉकलेट है इसकी 1040 यूनिट्स इन्होंने बनाई, एंड डेस्पाइट 5% ऑफ द टाइम बीइंग लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, 5% जो टाइम है वो लॉस्ट हो गया ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन्स, मतलब कि क्या हो गया उसमें, कुछ ना कुछ आइडल टाइम हो गया, कुछ ना कुछ खराब टाइम हो गया एबनॉर्मल रीजन्स की वजह से। अब देखिए कुछ तो आइडल टाइम होता है नॉर्मल रीजन्स की वजह से, जैसे लेबर आएगा वो दोपहर में लंच करेगा तो वो करेगा ही रोजाना, तो वो नॉर्मल लॉस होगा। लेकिन कुछ एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, जैसे लेबर आया उसको बोला कि भैया चॉकलेट बनानी है, लाइट चली गई, मशीन ही काम नहीं कर रही, तो लेबर मशीन के अंदर वो चॉकलेट को डाल नहीं पा रहा और प्रोसेस नहीं कर पा रहा, या फिर उसको घुमाना है कोई मशीन के अंदर चॉकलेट के सारे सिरप को, तो वो उसको घुमा नहीं पा रहा क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही, मशीन ही नहीं चालू है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से 5% अपना लॉस्ट हो गया एक्चुअल में। आर्ली वेज रेट एक्चुअली पेड वर, एक्चुअली क्या रेट से पे करी आपने, आपने 6.20 ये और ये वाली से पे करी 10, 30 एंड 60 वर्कर्स को, मतलब जो शुरू के 10 वर्कर्स हैं उनको ये वाली रेट, नेक्स्ट 30 वर्कर्स हैं उनको 6 वाली रेट, और नेक्स्ट 60 वर्कर्स उनको 5.70 वाली रेट। अलग अलग स्किल्स वाले लोग अलग अलग काम करवा रहे हैं तो अलग अलग रेट से पेमेंट कर रहे हैं। ये बोले लेबर के वेरियंसेस कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। देखो आपको पता है कि लेबर के वेरियंसेस निकालने हैं तो हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला जो कॉलम होगा हमारा वो होगा हमारा बजट का कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम होगा हमारा वो आपको पता है वो होगा स्टैंडर्ड का कॉलम, एंड थर्ड जो कॉलम हम लोग बनाएंगे, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई इसको छोटा कर देता हूँ मैं, थर्ड जो कॉलम होगा हम उसको बोल देंगे हम लोग ये हमारा एक्चुअल का कॉलम, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अब डिटेल्स को देखिए वापस से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमसे कोई भी गलती कभी भी हो सकती है। सोच के देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 यूनिट्स है वो 1 घंटे के अंदर बननी चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट है ये, ठीक है। तो आप एक तरीके से यहाँ पर, अब अलग अलग तरीके हैं लिखने के, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं 25 यूनिट लिख देता हूँ, 25 यूनिट यहाँ पर अपने लोगों ने लिख दिया अपना आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सबसे ऊपर टॉप पे लिखते हैं। उसके अंदर क्या होता है आप लिख देंगे वर्कर्स कितने हैं आपके, यहाँ पे एक वर्कर भी लिख देते हैं जो कि है 100 वर्कर्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक लिख देते हैं आपका आर्स कितने हैं, आप बोल देंगे देखो हमारे पास में 100 वर्कर्स हैं और 1 घंटे के अंदर 25 यूनिट्स के ऊपर बात की गई है, ठीक है, और इनकी जो लेबर की रेट है वो 6 रुपीज़ की रेट है, तो इसके ऊपर बाद में आएंगे। अब देखो हुआ क्या, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में 42 आवर्स का एक वीक है, एक वीक के अंदर 42 आवर्स आपके होने चाहिए, ऐसी कोई स्टोरी इन्होंने बताई है, और 1040 यूनिट्स आपकी बनी है। तो 1040 यूनिट्स बनी है मतलब एक्चुअल आउटपुट के अंदर आप यहाँ पे 1040 यूनिट लिख देंगे, ठीक है। ये जो 1040 यूनिट बनी है, सुनो ध्यान से, इनको बनाने के लिए कितना कितना आपका लेबर का टाइम लगा होगा सोच के देखना। देखो ये 10 लेबर जो थे, इन 10 की बात करते हैं, 10 लेबर थे ये, हर एक लेबर के पास में, ठीक है, कितना आवर्स थे, आप बोलेंगे हर एक लेबर के पास में 42 आवर्स थे, राइट। तो ये जो 10 लेबर्स थे इन सब के पास में कितने आवर्स हो गए, आप बोल देंगे 420 आवर्स इन सब के पास में मिलाकर हो गए। ऐसे ही ये जो 30 लेबर्स थे, हर एक लेबर, क्योंकि यार मैं बोलता हूँ मैं क्रिकेट खेलने गया, मैंने दिन में 8 घंटे क्रिकेट खेला, मैं बोलता हूँ एक और जन है उसने भी 8 घंटे खेला, तो हम दोनों ने मिला के कितने खेला, हम लोगों ने 16 आवर्स खेला ना। तो ऐसे ये 42 आवर्स जो है वो हर एक इंसान के पास में एक वीक में है, तो
तो ये 30 जो लेबर है इनके पास में भी 42 आवर्स हर एक इंसान के पास में, हर एक पर्सन के पास में है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो आप बोल देंगे 1260 जो है ये हमारा दूसरा वाला लेबर का आ गया। थर्ड, ये जो 60 लेबर्स हैं इनके पास में भी हर एक लेबर के पास में 42 आवर्स हैं, तो आप बोल देंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो आप बोल देंगे 2520 आवर्स। इतने हमारे थर्ड कैटेगरी वाले लेबर्स हैं, इनके आवर्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये आवर्स लिख देता हूँ, एक्चुअल आवर्स, जो कि यहाँ पे तीन कैटेगरी के आवर्स हैं। तो एक बार मैं इन वर्कर्स को यहाँ से हटा देता हूँ, ये मेरे अभी काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक तो आ गया आपका 420 आवर्स कैटेगरी वन वाले, फिर 1260 एंड 2520, तो आप लिख देंगे 1260 आवर्स एंड 2520 आवर्स, ये आपके थर्ड कैटेगरी वाले लेबर्स हैं। तीन तरीके के आपके लेबर के आवर्स हो गए, ठीक है। मतलब 42 आवर्स ये लेबर आए थे, हर एक लेबर 42 आवर्स आया था। अब उसमें क्या हुआ, उनके आने पर 5% जो है वो लॉस्ट हो गया एबनॉर्मल रीजंस की वजह से, मशीन खराब हो गई तो लेबर फ्री बैठ के फिर टाइम पास किए, व्हाट्सएप चलाया उन्होंने, तो 5% आपका खराब हो गया। तो आप एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका आइडल टाइम कितना था। आइडल टाइम आप बोल देंगे 5% था, 5% मतलब जितने भी आर्स आया उसका 5%। तो 420 का 5% आप निकालेंगे जब, तो आप बोल देंगे 21 आवर्स यहाँ पे इनके आइडल हो गए। ऐसे ही 1260 का 5% निकालेंगे आप, तो 1260 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई 5%, तो आप बोलेंगे ये 63 आवर्स इन लोगों के आइडल हो गए। एंड थर्डली 2520 जो है, 2520 ये जो लेबर है इसका आप निकालेंगे आइडल 5%, तो आप बोल देंगे 126 आवर्स जो है ये इनके आइडल टाइम हो गए, राइट। तो हुआ क्या होगा, हुआ होगा कि भाई हमारे जो लेबर आए ना, सुनना ध्यान से, वो लेबर आए तो थे 420 आवर्स, लेकिन ये आइडल हो गए 21 आवर्स। मतलब आपके इनके प्रोडक्टिव आवर्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्टिव आवर्स मतलब जब वो काम कर रहे थे वो कितने थे। तो आप बोल देंगे 420 माइनस 21, 420 माइनस 21 आप बोलेंगे 399 आवर्स वो थे जब लेबर काम कर रहा था। धीरे काम किया, तेज काम किया, उससे मतलब नहीं है, बट ये काम कर रहा था। ये 21 आवर्स में तो वो काम ही नहीं कर रहा था, और ये टोटल आए थे 420 आवर्स। ऐसे ही बी कैटेगरी वाले जो लेबर्स हैं वो 1260 माइनस 63, तो आप बोल देंगे ये 1197 आवर्स जो हैं ये इनके प्रोडक्टिव आवर्स थे यहाँ पे। और हमारा जो थर्ड कैटेगरी के लेबर हैं वो 2520 आवर्स आए थे, उसमें से 126 आवर्स हटा देंगे तो 2394 आवर्स जो हैं वो इनके प्रोडक्टिव आवर्स हो गए। इतने आवर्स इनके हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना यहाँ पे ध्यान से। देखिए, पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूनिट्स, एक्चुअल में वही यूनिट्स स्टैंडर्ड के सर पे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 1040 यूनिट्स लिख दी है, 1040 यूनिट्स लिख दी है, ठीक है। अब हम लोग पता लगाएंगे कि इन 1040 यूनिट्स के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए था, इन 1040 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, हम लोग वो पता लगाएंगे, ठीक है। ये बात से आप लोग अग्री करते हैं, बताओ। आप बोलेंगे हाँ भाई, ये वाली बात से हम लोग अग्री करते हैं। चलो, तो अब सुनना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस बात को समझो यार। ये बोलते हैं कि 25 यूनिट जो थी एक घंटे में वो बननी चाहिए थी, एंड आप बोलेंगे इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, और एम्प्लॉय 100 वर्कर्स, वहाँ पे 100 वर्कर्स थे। तो ये 2500 यूनिट्स तो लिख दी आपने, ये 2500 यूनिट्स के लिए आप क्या बोलेंगे। अब देखिए, इसको अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो तरीका है वो क्या तरीका है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, हमसे गड़बड़ी हो जाएगी सोचने के अंदर, ठीक है। बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे जो 25 यूनिट लिखी हुई है ना, ये आपका आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी यहाँ पर वेग है। वेग है मतलब क्या, वेग का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ने से क्या लग रहा है, ये बोलते हैं कि 25 यूनिट्स पर आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स,
इसको पढ़ने से क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि 1 घंटे के अंदर 25 यूनिट्स बन रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन की कमी है कि क्वेश्चन बिल्कुल भी क्लियर नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन की कमी है। एग्जाम के अंदर एकदम क्लियर वर्ड लिखा हुआ था है, यहाँ पे लग रहा है 1 घंटे में 25 यूनिट्स बन रही है, बट ये लैंग्वेज की कमी की वजह से एम्बिग्यूटी है। मैं ये नहीं बोल रहा ये परफेक्ट है, बट आपके क्वेश्चन है तो आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, और गलती हो या सही हो आपको समझना पड़ेगा कि कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज खराब होती है, तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। लैंग्वेज क्या बोलते हैं, 25 यूनिट पर आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 100 वर्कर्स है, और वो 100 वर्कर्स जब 1 घंटा काम करते हैं, मतलब हर एक वर्कर 1 घंटा काम कर रहा है, तब जाकर 25 यूनिट्स बन पाती है। अब आप बोलेंगे यार ये कितनी अजीब सी बात लिखी है, तो ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्लियर लैंग्वेज आती है, बट हाँ ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर लैंग्वेज इशू है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 100 वर्कर्स, हर एक इंसान 1 घंटे जब काम किया, तो 100 आवर्स के अंदर आपकी एक तरीके से 25 यूनिट यहाँ पे बन पा रही होगी, राइट। यही तो दिक्कत है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ये जो 25 यूनिट्स है ना, ये 1 घंटे के अंदर नहीं बन रही है, आप यहाँ पे लिख देंगे आवर्स, कितने यहाँ पे लिख देंगे आप 100 आवर्स, 100 आवर्स, ठीक है। तो अब 100 आवर्स वाली आपने बात लिख दी, अब मेरी बात समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर ये कहीं पर बताया हुआ था क्या, ये कहीं पर बताया हुआ था क्या कि ये 100 आवर्स किस किस प्रपोर्शन में लगेंगे, मतलब कैटेगरी ए वाले लेबर के कितने आवर्स लगेंगे, कैटेगरी बी वाले लेबर के कितने आवर्स लगेंगे, कैटेगरी सी वाले लेबर के कितने आवर्स लगेंगे, क्वेश्चन में कहीं पर भी बताया हुआ था क्या? देखो ये तो इतने इतने लेबर लगे हैं, बट स्टैंडर्ड डिटेल्स में कहीं पर भी बताया था कि कितने कितने आवर्स लगेंगे? तो अगेन ये एक सब्जेक्टिविटी का मैटर आ जाता है। मैं आपको ये सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऐड नहीं करूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो सकती है समझाने के लिए, बट वैसी कॉम्प्लेक्सिटी का क्या ही काम होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे टोटल आर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता हूँ टोटल आर्स का, मतलब एक रॉ बना लेता हूँ, सॉरी। टोटल आर्स के अंदर आप क्या लिखेंगे, सुनना मेरी बात, ये 1040 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आर्स लगने चाहिए थे? तो आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, आप बोलोगे ये 25 यूनिट्स के लिए 100 आवर्स लगने चाहिए थे, 25 के लिए 100 लगने चाहिए थे, तो 1040 के लिए कितने लगने चाहिए थे, उसको मैथ्स वाइज सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो आप बोल देंगे इसको जब सॉल्व करेंगे 1040 को, तो आप बोल देंगे ये आता है 460 आवर्स। इतने आवर्स जो हैं आप बोलेंगे वो हमारे लगने चाहिए थे, क्या होना चाहिए था, आप बोलेंगे वो हमारे लगने चाहिए थे, एकदम क्लियर, ठीक है। अब आपसे पूछे कि भाई लगे कितने, तो देखो ये भी 1 आर्स यहाँ पे दिए हैं, ये भी 1 आर्स दिए हैं यहाँ पे, और ये भी 1 आर्स दिए हैं, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, ये काम आएंगे अभी हमारे। 420 + 1260 + 2520, तो आप बोल देंगे ये 4200 आर्स हैं हमारे। ये नेक्स्ट वाले हैं 21 + 63 + 126, नेक्स्ट वाले आते हैं 210 आवर्स, और लास्ट वाले जो हैं वो कितने हैं, 399 + 1197 + 2394, तो आप बोल देंगे ये हमारे आते हैं 3990 आवर्स, ठीक है। अब इतनी डिटेल्स हमारे पास में है, अब हम लोग हमारे वेरियंसेस के ऊपर बात करेंगे, कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो वेरियंस है हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, उसका है नाम लेबर, सुनना, एफिशिएंसी वेरियंस। देखो लेबर एफिशिएंसी वेरियंस क्या होता है, क्या होता है कि भाई कोई लेबर ने काम किया, चाहे धीरे किया चाहे तेज किया, तो वो कितना एफिशिएंट था, मतलब मान के चलो जैसे मुझे अगर कोई वॉल को कोई दीवार को पेंट करना है, मुझे मेरे मालिक ने बोला कि 10 घंटे इसमें लगने चाहिए, तो मैं 10 घंटे एकदम आराम से भी पेंट कर सकता हूँ, मैं जल्दी जल्दी भी पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी पेंट करता हूँ 10 घंटे की जगह मैं 5 घंटे में ही कर देता हूँ, तो मैं 200% एफिशिएंट हो गया ना, डबल एफिशिएंट हो गया ना, 10 घंटे का काम 5 घंटे में कर दिया, राइट।
और वही मैं एकदम आराम से करता हूँ, तेज नहीं करता हूँ। 10 घंटे का काम मैंने 20 घंटे में कर दिया, तो और एकदम धीरे धीरे, तो मैं 50% इफिशियंट हो गया, आधा इफिशियंट हो गया, राइट, डबल टाइम ले लिया मैंने। तो मेरी बात समझो, एफिशिएंसी वेरियंस का मतलब होता है जब आदमी काम कर रहा है उस काम करने वाले टाइम को कितना टाइम लगना चाहिए था उससे कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 4200 आवर्स भी है, 3900 आवर्स भी है, दोनों में से कौन से आवर्स लेबर काम कर रहा है? आप बोलेंगे लेबर जो काम कर रहा है वो 3990 आवर्स के टाइम पर काम कर रहा है। यहाँ पर आया तो इतने टाइम, बट यहाँ पर तो ये फ्री बैठा रहा ना, क्यों? क्योंकि इस वक्त काम ही नहीं हुआ। तो एफिशिएंसी मेजर करने के लिए हमेशा जब वो काम कर रहा है वो वाले आवर्स को कंपेयर करेंगे कितने आवर्स लगने चाहिए थे उससे। तो आप बोलेंगे हमारे लेबर को 4160 आवर्स लगने चाहिए थे, हमारे लेबर को लगे कितने? 3990 आवर्स लगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट आपको दी हुई थी लेबर की 6 रुपीज़, कि भाई कोई भी लेबर हो उसको 6 रुपए देंगे। बाद में जाकर इन्होंने एक्चुअल की रेट चेंज कर दी, वो बात अलग है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई के टाइम पे स्टैंडर्ड रेट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 4160 माइनस 3990 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो आप बोल देंगे ये जो आता है वो आता है 1020 फेवरेबल। आप बोलेंगे फेवरेबल कैसे आया? क्योंकि भाई 4160 लेबर को काम करना चाहिए था इतने आर, जबकि 3990 काम करके ही इसने बढ़िया आउटपुट दे दिया। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी वेरियंस में हमेशा आपको प्रोडक्टिव आवर्स लेने हैं, जब भी आइडल टाइम की डिटेल्स आपको दी रहेगी। आपका एफिशिएंसी वेरियंस हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। दूसरा जो निकालेंगे हम लोग उसकी बात करेंगे, उसको बोलेंगे लेबर रेट वेरियंस, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, देखो रेट वेरियंस में सबसे पहले तो आसान वाली बातें करते हैं, तीन अलग अलग कैटेगरी की रेट्स लेबर को पे की गई है, तो तीन अलग अलग तरीके के वेरियंसेस निकलेंगे लेबर के। सबसे पहले सोचो लेबर को क्या रेट देनी चाहिए थी। रेट वेरियंस हमेशा पर घंटे के हिसाब से बोल देता हूँ, 1 घंटे के हिसाब से निकलेगा। तो लेबर जो है उसको 6 रुपीज़ की रेट देनी चाहिए थी 1 घंटे की, 6 रुपीज़ की रेट देनी चाहिए थी। हमने फर्स्ट वाले कैटेगरी के लेबर्स को क्या रेट से पे किया? 6.20। तो आप बोलेंगे उनको 6.20 की रेट से पे किया, मल्टीप्लाइड किससे मल्टीप्लाई करें? लेबर जितने घंटे आए थे 420 आवर्स, क्योंकि ये कैटेगरी फर्स्ट वाले की ही बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, 420 आवर्स से मल्टीप्लाई करें या जितने घंटे उन्होंने काम किया उससे मल्टीप्लाई करें 399 से। देखो यार लेबर जो है वो आया, अब वो आया, अब मशीन खराब हो गई तो लेबर बोलेगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जितने टाइम तक आया हूँ मुझे पैसा उतने ही टाइम का दो, क्योंकि एब नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है ना, लेबर की उसमें कोई गलती नहीं है। तो लेबर की गलती नहीं है, तो जब भी प्राइस वेरियंस निकालेंगे तो जितने घंटे लेबर आपके पास आया है ना उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे ये 84 हमारा एडवर्स आता है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा रुपए पे कर दिए लेबर को। बी कैटेगरी वाले लेबर्स के लिए क्या करेंगे आप? उसमें भी बोलेंगे देखो उसमें हमारे 6 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे यहाँ पर भी 6 रुपीज़ है, मतलब बी कैटेगरी वाले में लेबर्स में 6 रुपीज़ लगने चाहिए थे, 6 ही लगे हैं। मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने घंटे हमारा लेबर आया था ये आता है 0। सी कैटेगरी वाले लेबर में आप क्या बोलेंगे? 6 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे कितने? 5.70। अच्छी बात है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे 6 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे हैं 5.70। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने घंटे लेबर सच में आपके पास में आए हैं, काम किया या नहीं किया वो तो बात की बात है, लेबर तो बोलेगा मेरी क्या गलती, अब नॉर्मल हुआ तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2520 से। तो हमारे पास में जो नंबर आता है वो देखते हैं, 6 माइनस 5.70 मल्टीप्लाइड बाई वॉट? 2520, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 756 जो है आप बोल देंगे ये हमारा यहाँ पे एक वेरियंस आता है कौन सा, वो भी फेवरेबल। इन तीनों का नेट इम्पैक्ट देख लेंगे, नेट इम्पैक्ट आपका 672 फेवरेबल वेरियंस आता है, जिसको लेबर रेट वेरियंस हम लोगों ने बोला, ठीक है? देखिए सोचने का तरीका आपका अप्रोप्रिएट होगा ना तो गलती हो ही नहीं सकती। अब आपसे लेबर रेट वेरियंस हो गया, एफिशिएंसी वेरियंस हो गया, थर्ड वेरियंस निकाल लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर कॉस्ट वेरियंस, ठीक है? लेबर कॉस्ट वेरियंस कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे एफिशिएंसी वेरियंस एंड रेट वेरियंस उन दोनों को नेट इम्पैक्ट दे दो, नेट इम्पैक्ट मतलब उनको एडजस्ट कर दो,
तो ये 672 फेवरेबल, इन दोनों को जब हम लोग इम्पैक्ट कर देंगे तो लेबर कॉस्ट वेरियंस मतलब 1020 प्लस 672 तो ये 1692, 1692, 1692 जो है ये आपका लेबर कॉस्ट वेरियंस फेवरेबल आ जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको बोला है कि और लेबर के रेलेवेंट वेरियंसेस निकालो। अब इस क्वेश्चन में आइडल टाइम भी आप लोगों के पास में है, तो देखो आइडल टाइम है तो आइडल टाइम का वेरियंस भी निकालना पड़ेगा ना। एक सेकेंड रुकना, मेरा कॉस्ट वेरियंस शायद ठीक नहीं आया, देखने दीजिए मुझे क्या गड़बड़ी है इसमें। ये एफिशिएंसी वेरियंस मेरा फेवरेबल था एंड ये एक्चुअली इसमें एक नंबर और आएगा, मैं कॉस्ट वेरियंस को थोड़ी सी देर बाद में निकालता हूँ, एक बार मैं इसको पेंडिंग में डाल रहा हूँ क्योंकि इसको अभी भी मुझे एक नंबर और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, एक बार के लिए मैं इसको पेंडिंग में डाल रहा हूँ। लेबर कॉस्ट वेरियंस के बाद में ये पेंडिंग है, एक बार मैं इसको पेंडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं निकालूंगा यहाँ पे आपके साथ में लेबर आइडल टाइम वेरियंस, टाइम वेरियंस। अब आइडल टाइम तो बहुत ही आसान है, जितनी देर लेबर आइडल था ना बस उसको ले लो, तो ये 2163 एंड 126, तो 2163 एंड 126 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको। जो हमारी स्टैंडर्ड रेट थी 2163 126, स्टैंडर्ड रेट जो रेट थी वो थी 666, देखते हैं कितना आता है। तो हमारी जो है 21 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आप बोल देंगे ये आता है 126। ऐसे ही ये 63 मल्टीप्लाइड बाई 6, एक सेकेंड, 63 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आप बोल देंगे ये आता है 378। और उसके बाद में 126 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये आता है 756। तो आप बोल देंगे ये हमारे वेरियंसेस आते हैं, इन सभी का टोटल कर लेंगे, तीनों ही एडवर्स है क्योंकि एबनॉर्मल लेबर का नुकसान हो गया ये। तो आप बोल देंगे 126 प्लस 378 प्लस 756, तो आप बोल देंगे 1260, ये 1260 आपका लेबर का आइडल टाइम का वेरियंस आता है, ठीक है। अब देखो आपको लेबर का कॉस्ट वेरियंस निकालना है, कॉस्ट वेरियंस जो है वो तीनों का टोटल होगा, किसका, एफिशिएंसी वेरियंस, रेट वेरियंस एंड आइडल टाइम वेरियंस, इन तीनों का टोटल होगा। तो यहाँ पे ये जो 1260 जो एडवर्स आया है ना आपका, इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप इसको दिखाओगे तो अब हमारा कॉस्ट वेरियंस बराबर आना चाहिए, तो आप बोल देंगे ये 1020 एडवर्स ये फेवरेबल है, 672 ये फेवरेबल है, इसमें से लेस कर देंगे 1260, 1260, तो आप बोल देंगे ये जो 432 का नंबर आता है ये हमारा फेवरेबल लेबर कॉस्ट वेरियंस आता है। सो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं होगा। तो लेबर का ये जो एफिशिएंसी का वेरियंस है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।